न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। खबर रीवा से है, जहां मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक वानिकी विभाग के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर के जयंती कुंज में वृक्षारोपण किया गया। विंध्य प्रदेश सेवा संघ की PRO आरती तिवारी के आयोजन में 300 पौधे क्रय कर पौधारोपण की वृहद शुरुआत हुई। 5 जून को संपूर्ण विश्व में 50वां पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का प्रयोजन मात्र इतना है कि आज जहां सांसें कम हो रही हैं उसको बचाने के लिए केवल और केवल वृक्ष ही काम आ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर हम अपने जीवन के साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व को भी बचा सकते हैं। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक वानिकी विभाग के अंतर्गत शहर में स्थित जयंती कुंज में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ वृहद वृक्षारोपण किया गया, जिसमें कई फलदार वृक्षों के साथ साथ ऐसे वृक्ष भी लगाए गए जिनसे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पर्यावरण में छोड़ी जाती है। पिछले साल में विंध्य प्रदेश सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में पिछले साल भारत के 20 राज्यों में पौधारोपण किया गया था। इस कार्यक्रम में वानिकी विभाग से मुख्य वन संरक्षक राजीव मिश्र, वन मंडल अधिकारी चंद्रशेखर सिंह व सहायक वन संरक्षक अर्चना पटेल उपस्थित रहे। इनके अलावा इस पर्यावरण जागरूकता रैली में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ साथ कई समाज सेवी संगठनों ने भी अपना योगदान दिया और समाज में पहले प्रदूषण एवं पर्यावरण को बचाने के नारे लगाए और लोगों को जागरूक किया, जिनमें वानिकी विभाग के नीलेश श्रीवास्तव ने कई पर्यावरण गीतों के माध्यम से आह्वान किया कि सभी लोग कम से कम अपने खास अवसरों पर एक पेड़ लगाएं और उसे बचाने का भी संकल्प लें।